आई होप आप लोगों को गाड़ी की अनबॉक्सिंग पसंद आ रही और वाइसर और कुछ एक्सेसरीज वगैरह फिक्स करना है. फिक्स करने के बाद जो है आज के इवेंट के लिए गाड़ी रेडी हो जाती. और सलमान भाई जो है फर चीज़ें खोल रहे हैं, लगा रहे हैं. बहुत ज़बरदस्त है भाई, इतनी चौड़ी है. इट वॉज अ ड्रीम एंड आई मेड इट ट्रू. भाई कितने लीटर का टैंक है? आता है 20 लीटर. इसमें नॉर्मल फ्यूल भी डाल सकते हैं ना? ऑक्टेन नॉर्मल फ्यूल भी चलता है, लेकिन पावर डालेंगे तो बेस्ट है. इसके अंदर 95 आप उसके ऊपर कोई भी डाल सकते हैं, 100 तक कोई भी डाल सकते हैं. ऐसा नहीं जरूरी क्या आप 95 डालें, नॉर्मल भी चलता है. लेकिन कैसा है, नॉर्मल पे थोड़ा परफॉर्मेंस. और एक बार जो पेट्रोल डालेंगे, पावर डालो, स्पीड डालो, 95 डालो, वही इसको कंटिन्यू नहीं करो. हर जगह जगह से फिनिशिंग सेक्सी है भाई, यकीन नहीं हो रहा. अभी भी सामने गाड़ी है मेरी है. बोले साहब क्या है, थोड़ा लेके घर को जाके इधर उधर फिरे तो मालूम होता हाँ मेरी गाड़ी है. जब अपन चाबी लगा के ऑन करके एक्सीलेटर देते ना, जब मालूम होता. टॉप स्पीड इसकी 300 है और 3 सेकंड में 100 मारती गाड़ी फर्स्ट गियर पे 140, 120, 160 तक चल जाती. अपने को भगाना नहीं है भाई. खाली नबील के पास गाड़ी है बोले तो है. नबील हायाबुसा पे फिरता है एंड आई हैव दिस सुपर बाइक. दैट्स इट. आई जस्ट वांट टू अचीव इट. आई वांट अ बाइक एंड कीप इट एट होम एंड राइड ऐसा इधर उधर, दूध की पैकेट लाने के लिए, इडली वड़ा लाने के लिए, घर के काम करने के लिए. स्कूटी पे नहीं जाना है मेरे को, बड़ी गाड़ी पे जाना है. पीछे सीट भी लगा के रखता हूँ, काउल भी है अपने पास. सीट इसीलिए लगा के रखता हूँ कि अपने पीछे कोई बैठ के पकड़ना हो सामान, समझ रहे ना. किराना हमको जाने या वहाँ जाने के लिए यूज़ करने वाला हूँ मैं ये गाड़ी. एकदम आखिरी जाती होनी चाहिए. यहाँ पर बारिश शुरू हो गई और बारिश बहुत भयानक से शुरू हो गई. बारिश ने साथ नहीं दिया आज. फाइनली इसका ताज लग गया. ताज लग गया. ताज
माशाल्लाह जर दिख रही, जर बहुत जर। चालू करेंगे, ये अलग पैनल है, ये अलग पैनल है, ये अलग, तो ये पूरा पैनल है 1 लाख। हाँ। 2 लाख लगाएंगे तो 2 साइड लगेगा। फाइनली हमारी गाड़ी जो है बन गई, पूरे एक्सेसरीज वगैरह सारा अनबॉक्सिंग आप लोग ये वीडियो में देखें, और पूरी फिटिंग वगैरह भी हो गई। और क्या क्या एक्सेसरीज लगाए अपन इसमें? इसमें फ्रेम स्लाइडर लगा हुआ है, फोर्क प्रोटेक्टर लगा हुआ है, सिंगम स्पूल्स लगा हुआ है, और वहाँ से इंजन गार्ड लगा हुआ है। गाड़ी गिरे तो मतलब मैग्नेट कवर को कोई स्क्रैचेस ना, आगे से रेडिएटर गार्ड और ऑयल पंप, इसको क्योंकि पत्थर वगैरह जब लगता है तो उससे क्या होता है रेडिएटर डैमेज नहीं। समझ गया। और हमारे पास पैडॉक स्टैंड भी है, पैडॉक स्टैंड ठहरा के रखने के लिए, तो वो एक बार देख लेंगे अपन पैडॉक पे कैसा ठहराते हैं। बट पहली बार मैं अब जो है स्टार्ट करने वाला हूँ गाड़ी फॉर द फर्स्ट टाइम। वो व्लॉग जो आप लोग इससे पहले देखे उसमें ऑलरेडी मैं वो एक्टिंग करे सर रहता, तो सूरह फातिहा सूरह इखलास बिस्मिल्लाह बोल के अपन जो है स्टार्ट करेंगे। अच्छी लग रही है, मोड पे दबाए। हाँ, मोड पे दबाए तो उधर सेलेक्ट हुआ, ये आया, ये आया, ये बी आया। इसके ऊपर आप देखो पावर मोड 2 पे है, ट्रैक्शन कंट्रोल 5 पे है, सी पे के है, पावर मोड 3 पे है, मतलब कम पावर। अच्छा, ओके, ट्रैक्शन कंट्रोल 10 पे, मतलब दोनों व्हील एक साथ आपके इक्वल चले। सी मतलब सिटी का मोड, बी मतलब नॉर्मल हाईवे जब आप 200 के आसपास चल रहे, ए मतलब आप 300 अगर जाना चाहते हो तो हाँ पूरा एकदम खोल सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। और ये तो मैक्सिमम सी में ही रखना, सब मोड ऑन ही रहते। मतलब ये आप क्रूज कंट्रोल जो है उसके ऊपर कंट्रोल, मतलब एक्सेलेटर छोड़ के चलाना है तो क्रूज कंट्रोल ऑन करना है, ये बटन दबाना है, और जितना अपने को क्या स्पीड में चलने का है तो वो उसके ऊपर सेलेक्ट करके छोड़ दो। अच्छा, ओके, वो खुद भी कुछ चलेंगे, एक्सेलेटर देने की जरूरत नहीं कुछ। ये हिल, हिल पे जाने की सेटिंग है, टाइम और डेट सेट करने का इसका। आज डेट है देखो 24 नवम्बर मंथ 253 क्या हुआ है उधर AM है बराबर, अभी हुआ PM। బండి ఎట్లుంది? బండి ఎట్లుంది? సూపర్।